कहियत भिन्न अभिन्न बंदऊं सीता राम पद जाहि परम प्रिय खिन्न। जैसे गिरा है वाणी है और उसका अर्थ एक ही दो चीज होती है, किसी कोई शब्द आपने कहा और एक उसका अर्थ होता है, तो दो अलग अलग चीज है क्या? नहीं ना। ऐसे ही जल और बीची, किसी छोटी सरी मतलब सरोवरी तड़ागी बीची, उसमें किसी नदी में जल भरा है, तो जिसमें जल भरा है तो जल से युक्त वो बीची और जल दोनों सेम है, उनको भिन्न कह दो या अभिन्न कह दो। ऐसे ही प्रिया प्रियतम को दो मान के भी हम, तो एक ही प्रभु दो स्वरूपों में विद्यमान है। नित्य किशोरी के रूप में ये स्वयं नित्य किशोर ही है। तो होली की लीला में जितनी सखियां हैं वो सब प्रिया जो कि काय व्यूह रूपा है उनसे ही प्रकट है। हाँ जी देवी जी। तो हाँ ठीक, ये इन्होंने कुछ कहा है मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर भी एक प्रसन्न होकर चली गई, मैंने इनको सही तरीके से उत्तर दिया है। तो एक बात देखिए, ठाकुर जी स्वयं की स्वयं में ही लीला कर रहे हैं। होली की कुछ लीलाएं लिखी है, एक सुना दें, लिखी हुई सुनाएं, इसमें से सुनाएं। चलो चलो लिखी हुई सुनाते हैं आज। इनके रसिया सुनोगे, एक से एक ब्रज रसिकों ने रसिया लिखे हैं। ठाकुर जी होली खेलने के लिए तो कहीं सास बाधा बनती है, कहीं ननद बाधा बनती है। बाधा से प्रेम बढ़ता है, ये कमली शब्द बाबा बुल्ले शाह का है, कि नहीं मैं कमली हुई। तो पूज्यपाद श्री विनोद भाई जी जब ये गाते थे, आप लोगों ने सुना होगा, कि निम कमली होई, निम कमली होई, हो निम कमली होई, निम कमली होई, सास ननद मेरी पल पल को से हर कोई देवे ताने, सास ननद मेरी पल पल को से हर कोई देवे ताने, बीत रही क्या मुझ बिरहन पे ये कोई नहीं जाने, हो बीत रही क्या मुझ बिरहन पे ये कोई नहीं जाने, सब पूछे निर्दोष बावरी, पूछे सब निर्दोष बावरी, तट पे तू काहे गए, निम कमली होए, निम कमली होए, ओ निम कमली होए, निम कमली शाम दे कमली, 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 निम कमली निम कमली निम कमली निम कमली, ओ निम कमली निम कमली निम कमली निम कमली निम कमली होए, निम कमली होए,
सखीपन घट पे जमुना के तट पे लेकर पहुँचे मटके। सखीपन घट पे जमुना के तट पे लेकर पहुँचे मटके। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नट घट की। ओ भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नट घट की। देखत ही मैं भई बावरी देखत ही मैं भई बावरी उसी रूप में खोई निमकमली होई निमकमली होई हो निमकमली होई निमकमली होई। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला। मुख पे हंसे हाथ में बंसी मोर मुकुट गल माला। ओ मुख पे हंसे हाथ में बंसी मोर मुकुट बन माला। तान सुरीली मधुर रसीली कमली होई निम कमली होई हो निम कमली। अब देखो एक मुसलमान रसिक क्या कहते हैं। नफीस खलीरी। क्या रंगी जमाल चेहरा आंखों को भा गया है। आंखों के रास्ते वो दिल में समा गया है। के रास्ते वो दिल में समा गया है। हाय हरी बहनन दुखा छोरा हाय हरी बहनन दुखा छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा कितना सुंदर कितना प्यारा। मधु बाकी चितवन मधुर मधुर बंसी रसधारा मधुर मधुर बंसी रसधारा। तेर कदम की छैया ठाड़ो 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 ठाड़ो। तेर कदम की छैया ठाड़ो जसमत के नैनन को तारो जसमत के नैनन को तारो। एक एक ब्रज की रमणी ने या पे तन मन धन सगवारो या पे तन मन धन सगवारो। निम कमली होई निम कमली होई हो निम कमली होई निम कमली होई। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल सखी पीतांबर बन माल धरे हैं। दूसरा है सिर मोर मुकुट कानन कुंडल सखी पीतांबर बन माल धरे हैं। पग नूपुर कटिका छिनका छे घर में प्यारी मुरली धरे घर में प्यारी मुरली धरे। बिंब अधर मतवारे नैना मतवारे नैना मंद मंद मुस्कान धरे मंद मंद मुस्कान धरे। बांके किस बाकी छवि पर एक नहीं यहाँ लाखों मरे एक नहीं यहाँ लाखों मरे। निम कमली होई निम कमली होई हो निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई।
सिर मोर मुकुट कानन कुंडल सखे कांधे शाम धरे कमले जिम कमल पे शोभित है भंवरा तिम शाम पे शोभित है कमली तिम शाम पे शोभित है कमली कमलों के हार पड़े गल में कमलों के हार पड़े गल में जिन देखत ही मैं भरी कमली जिन देखत ही मैं भरी कमली कमली वाले की कमलाई मैनू लोग कहें कमली कमली 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 निमत कमली होए निमत कमली होए हो निमत कमली होए तो भैया ऐसी है कि सास नहीं होगी तो प्रेम के कोटि युगों के बाद अच्छा गोलोक में चले जाओगे वहाँ नहीं होगी कोई सास भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में भी कोई सास नहीं होगी ना कोई ससुर होंगे ना कोई दिव्य आनंद के चिन्मय धाम में हम भगवत पार्षद बन के पार्षद का जीवन भगवान के निज जन बन के भगवान के उस नित्य राज्य में भगवान की प्रजा वैकुंठ में भगवान राजाएं हैं वहाँ उनकी नित्य प्रजा हैं हम भगवान शांत भाव में होते हैं दृष्टि अपनी कृपा कटाक्ष से अपने भ्रू विलास से नेत्रों से अपार करुणा से जब वो जीव मात्र को वहाँ पे अपने निज जनों को निज किंकरों को सब भगवत दासत्व के भाव में प्रभु हमारे स्वामी हैं ऐसे अपने स्वामी को जब देखते हैं सब वैकुंठवासी तो आनंद में एकदम उनका मन मयूर नृत्य करने लगता है भगवान इतने सुंदरता के सागर हैं पर उनके नेत्रों में इतना शील और इतना प्रेम है इतनी उदारता है कहीं से गर्व नहीं है अपार अथाह असीम स्नेह और प्रेम के अतिरिक्त उनके नेत्रों में कुछ नहीं दिखता एक एक वैकुंठवासी को वैकुंठ पार्षद को ये हमारे जीवन धन प्राण धन हमारे स्वामी ये मुझे ही इतने प्रेम से देखते हैं वहाँ के हर स्थावर जंगम को सबको उस चिन्मय जगत में सबको क्या लगता है प्रभु हमें अतिशय प्रेम करते हैं तो भगवान के जो प्रेम का प्रदर्शन है वो नेत्रों से ही होता है भगवान बहुत प्रेम करके बड़े प्यार से पूछ लेते हैं अपनी मेघ गंभीर वाणी से थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो बाप जी तो भगवान पूछ लेते हैं तभी जीव कृतार्थ हो जाता है पूछने मात्र से ठीक है वो है भगवान के साकेत इत्यादि धामों में क्या होता है भगवान वहाँ राज राजेश्वर हैं पर भगवान वहाँ नित्य सख्य भाव भी प्रदान करते हैं दासत्व भी प्रदान करते हैं और माधुर्य भी होता है पर प्रमुखता से दासत्व और सख्य का मिश्रण हो जाता है सुग्रीवादी जैसे सखाओं को मैत्री प्रदान करते हैं तो भगवान जो बहुत प्रसन्न होते हैं तो कंठ लगा ले लेते हैं गले से लगाते हैं बड़ा प्यार करते हैं बड़े प्रभु शीलवान हैं बक्सर वाले सरकार ने लिखा कि कैसे शीलवान हैं हमारे राम जी कि होत सुनवाई स्वान हु की दरबार बीच और पापी से भी पापी उर माही लिपटत है इन बजाने में वो भाव चले जाते हैं कुत्ते की भी सुनवाई जिनके दरबार में होती है पापी से पापी को हृदय में लगा लेते हैं सरकार हृदय से लगा लेते हैं तो होत सुनवाई स्वान हूं की दरबार बीच और पापी से भी पापी उर माही लिपटत है क्या नहीं मात्र तुल्य भीलनी और गीध पितृ तुल्य जहां और मंत्री हो ये रीछ कपे पुत्र कहलात है जहां ऋक्ष राज बानर को मंत्री और बानरों को
कपियों को पुत्र के समान हनुमान जी को है। मात्र तुल्य भील नियो गीध पित्र तुल्य जहां मंत्र होय रीछ कपि पुत्र कहलात है। मित्र जहां केवट पाषाण सिंधु पोत होत सुनी सुनी नारायण को ही ओहुल सात है। जहां पे केवट जैसों को मल्लाहों को भी मित्र बनाया जाता है, और पत्थरों को जहां जहाज बना दिया जाता है समंदर पे तैरने वाला, पत्थर जैसे जड़ जीव पे भी कैसी कृपा करते होंगे। मित्र जहां केवट पाषाण सिंधु पोत होत सुनी सुनी नारायण को। बक्सर वाले सरकार मामा जी कहते सुनी सुनी नारायण को ही ओहुल सात है। ऐसो सूठी सरल स्वभाव जग और कौन जैसे शील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात हैं। जैसे शील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात हैं। ऐसे शील के मर्यादा के प्रेम के ऐसे समुद्र कौन होंगे जैसे भरत जू के बड़े भैया हैं श्री राघवेंद्र श्री रामचंद्र श्री रघुवंश मणि रघुकुल कमल दिवाकर। ओहो तो ऐसे ठाकुर तो वो भगवान जब बहुत प्रसन्न होते हैं है? रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कैसे पति कंठ लगावे। ठाकुर जी कंठ लगा लेते हैं। ये हमारे साकेत के जो ठाकुर हैं थोड़े से लजाने वाले थोड़े थोड़े खुले हैं। बैकुंठ के ठाकुर जी तो राज राजेश्वर बन के बैठे हैं, तो ठाकुर वही लेकिन अलग अलग भावों से अलग अलग धाम भगवान ने सृष्टि कर रखी है। वैकुंठ भी बहुत प्रकार के हैं। अब देखो लेकिन कोई जीव ऐसा मिल जाए जरा आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने। आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने। तो ये पर्दा हटाओ बने। अब भैया अब चाहिए अगर मान लो कोई आगे जाके प्रभु इतने में चैन नहीं मिल रहा है, अयोध्या वाले आपके जितने भी भक्त उपासक हैं अगर हम कुछ ज़्यादा चेष्टा कर देंगे ना कल को ज़्यादा गलभैयाँ करेंगे तो हमें कहेंगे अरे थोड़ा भद्र आचरण करो भैया, ये हमारे सुकुमार राज राजेश्वर ये कैसा शील रखते हैं, तुम कैसे हो जो शील नहीं रखते। एक देश है जहाँ शील नहीं है मर्यादा नहीं है वहाँ पे प्रभु और उनका प्रेम और बस ये नहीं होना चाहिए होना चाहिए वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो कौन सा है? कैसो ये देश निगोड़ा जगत हो री ब्रज हो रा। कैसो ये देश निगोड़ा एक ऐसा देश है जहाँ पे जियरा देख देख डरानी हो सजनी लाज शर्म की ओरा। ओहो कहा बालक कहा वृद्ध लुगाई एक से एक ठिठोरा। बृहद भागवत
भागवतामृतम में ये वर्णन आता है कैसे गोप कुमार पहुंच गया बैकुंठ में, जी नहीं लगा, ठाकुर जी के पास चाहता था जल्दी से जाऊं, पर ठाकुर जी तो किसले शेष किशैया और बुझाए चार की, शेष किशैया अनुपम से रूप में डूबे भूली वो सब संसार की, एक रोज बोली प्राची तुमसे प्रभु चार हाथ के होते, वो धाम बैकुंठ में वो शेष नाग के शैया पे निज धाम बैकुंठ में सोते हैं। जो बहुत सुंदर वर्णन आता है इसमें, इसी में लिखा हुआ है, ये चार हाथ वाले चतुर्भुज भगवान। ठीक है, गोप कुमार का मन नहीं भरा, वहाँ जय विजय भगवान के पार्षद ये ब्रजवासी छोरे एक बार बैकुंठ पहुँचा दिए ठाकुर जी ने, ए लाला जाने ब्रज भगवान कौन हुए, ठाकुर जी ने कहा हम ही भगवान हैं। अच्छा, अरे भगवान मन ऐसे तो मैं भी भगवान हूँ, सब सखाने का मैं भगवान, तुझसे बड़ा भगवान सब जन, भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ में। मधुमंगल आचार्य जी ने अपना ज्ञान दिया कि अरे तुम ना जानो, ये लाला हमारो बहुत बड़ो भगवान है। तो उनका अच्छा, भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं। सब सखाओं ने बताया, अपना छटीकरा रोड पे गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर है, तो उन्होंने कहा भगवान के तो चार भुजा होती है। बोलो नहीं, एक भगवान भूमा पुरुष है, उनके तो आठ भुजा होती है। तो ठाकुर जी ने कहा इनसे फालतू भुजा करनी पड़ेगी। तत्काल भगवान ने 12 भुजा बना ली और गरुड़ जी का आह्वान किया, ठाकुर जी गरुड़ जी पे जाके बैठ गए, तो उनका नाम पड़ा गरुड़ गोविंद भगवान। सखाओं को बोला हे लाला ये क्या हो गया, इतने सारे हाथ काम क्या करने, वापस सही हो जाए। लो भगवान ने कहा दो दो एक्स्ट्रा से छाता खुलता है, ऐसे नहीं नहीं भुजाएं निकलती रही उनका, अरे रे रे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही ले गए वहां पे, आंख बंद करो बैकुंठ दिखाई दे, हमें भी दिखा बैकुंठ। आंख खोली तो बैकुंठ वालों ने जब वहाँ बैकुंठ में प्रकट हुए तो भगवान, अरे शेषनाग की भगवान, अनंत भगवान शंकरषण की शैया पे अनंत प्रभु शयन कर रहे हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगि बिरदानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सरलोकैकनाथम। ओहो सब स्तुति कर रहे हैं, वेद मूर्ति मंत्र बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगिंद्र मुनिंद्र सब तुम्बुरु गंधर्व गायन कर रहे हैं, देवर्षि वीणा वादन करके भगवान की सुंदर स्तुतियां कर रहे हैं। सब सखा चुपचाप जाके कहने लगे इसका इनका चेहरा तो हमारे लाला जैसा लग रहा है, मुहड़ा देख, ऐसे आपस में बतिया रहे हैं सब छोरे ये क्या गा रहे हैं। तो पार्षदों ने डांटा, ए ये बैकुंठ में आ गए, यहाँ पे भी हल्ला मचाए बिना काम नहीं करो, शोर नहीं मचाओ, प्रभु की स्तुति चल रही है। सब नियम कायदे वाले, थोड़ी देर तो छोरे चुप रहे, फिर लगे गाली बकने, नाच जाए बैकुंठ, हमें ऐसे बैकुंठ का क्या करना ना, क्या कहा करूं बैकुंठ जाई जान नंद जान जसोदा और कदमन की छाई, हमें बैकुंठ जाना ही नहीं। सब ठाकुर जी को लाला बचा ले हमें तो इस बैकुंठ, तो ये तो नरक से भी बुरा है, ऐसे चुप्पी हमसे तो ना ही रखी जाए, हमें तो ठाकुर जी ये तेरे पास आने नहीं दे रहे, तू वहाँ पे आराम से सो रहा है, बड़ी स्तुति करवा रहा है मजे से, इशारे में सका पूछ रहे उठ के आए तो तुझे बताएं, ये तेरे चेले चपाटे खड़े किए हुए तूने बीच में। तो सब ठाकुर जी से वहाँ तुम तड़क्का वाला देश है। तो फिर गोप कुमार को भगवान ने कृपा करके साकेत धाम में पहुँचा दिया। तो ठाकुर जी उसे वहाँ अच्छे तो बहुत लगते थे, प्यार को उसका जी नहीं भरता था, कह रहे सीधे गल भैया ऐसा नहीं कुछ भी। और फिर भैया
भगवान ने अपने प्यारे गोप कुमार को सीधा भेजा ब्रज वृंदावन धाम में। जिसने वृंदावन न देखा उसने कुछ भी न देखा, उसने कुछ भी न देखा। जिसने वृंदावन न देखा जहाँ लहर लहर सी बहे जमुना जी, पीपल कदम की छैया ओ प्यारे, पीपल कदम की छैया। उस छैया में बैठे प्यारी, उस छैया में बैठे प्यारे, सांवरे कृष्ण कन्हैया दे प्यारे, सांवरे कृष्ण कन्हैया। रमण रीति का नजारा न देखा, रमण रीति का नजारा न देखा। उसने कुछ भी न देखा, उसने कुछ भी न देखा। जिसने वृंदावन न देखा, जिसने वृंदावन। और भैया सीधा ब्रज वृंदावन में पहुंच गया और जैसे ही ठाकुर जी को देखा, अति सुंदर री ब्रजराज कुमार महामृदु बानी बोलत है। ये ब्रज का राजकुमार बड़ा मधुर बोलता है, हैं? लखि नैन की कोर कटाक्ष चलाय के लाज की गांठन खोलत है। सुनरी सजनी अलबेलो ललाये कुंजन कुंजन डोलत है। रसखान लखे मन बूढ़ गयो मधिरूप के सिंधु कलोलत है। इतने प्यारे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी रुके नहीं, नेत्रों से देखा नहीं, आलिंग दौड़ के आए। अरे यार तू कहाँ था, और ऐसे गुत्थम गुत्था हुए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे गोप कुमार के भी। और प्रभु ने 10-12 प्रीति की मोहर गालों पे, ठोड़ी पे, मस्तक पे लगाई और प्रेम से भुजपाश में झकड़ लिया। यार तेरे बिना मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता था, देखो इतने सखा हैं, पर तेरे को हम सब तो बहुत याद करते थे, कहाँ था तू। ऐसे करके प्रेम से ऐसे लगा जैसे अनंत युगों से उन्हें जानता हो। बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते उतना वो आपसे खुले हुए हैं। किसी भी कारण से भगवान अपने इस श्याम सुंदर स्वरूप में अपने सारे आवरणों को हटा के जीव से मिलते हैं। इसीलिए इस स्वरूप के अंदर में, इस इनकी वार्ता में कुछ बातें ऐसी लगती है, ओहो ये थोड़ी होना चाहिए था। अरे इस बात को समझने के लिए तो होली की लीला जो समझना चाहते हैं ना, तो वो ऐसे समझना तो समझ आएगी। आज तो हमने सारे सिद्धांत की बात बता बता के समय पे निकाल दी, लेकिन एक दो लाइन सुन लो। बरसाने आए खेलन हो रे बरसाने सखाए उनके साथ में। मधु मंगल स्तोक भद्र मधु मंगल स्तोक भद्र रेंदो पेंदो ग्वालन टोली
पेंदा पेंदा ग्वालन कोरे बरसान बलगद उज्ज्वल मंगल कुंद प्रेष्ठ भद्र मेरू टोले बरसाने बरसाने आए खेलन कैसे आए तैयार कैसे हो क्या है मुनि मनहारी नीलमणि तनु मुनि मनहारी नीलमणि तनु मोर पिछ के पग होले बरसाने आहा मोर पिछ के पग होले होले बरसाने मोर पिछ की पगिया जरतारी पगिया देखो प्राची जी एक दिन हंस के कहने लगी 700 तरीके से तो पगड़ी बांधते कौन सी पगड़ी बोल रहे हैं कितने तरीके के मुकुट पहनते हैं प्रिंस क्राउन पहनते हैं अलग अलग तरीके के किरीट पहनते छोटा सा मुकुट पहनते संकेत मान और खुले बाल भी रहते हैं जो सुबह पहना है ना दो घंटे आपके दो घंटे समझ लो उन्होंने कहा वो एक कहा करती थी एक मतलब दो घड़ी ले लीजिए लगभग दो घड़ी के बाद में इनका श्रृंगार बदल जाता है दोपहर में मत कुछ और दिखेंगे संध्या के समय और श्रृंगार होगा और सखा जो टैटूज बनाते हैं ना बड़े सुंदर सुंदर बनाते हैं सखियाँ वो श्रृंगार हटा के दूसरा श्रृंगार कर देती हैं इनकी मैया जो श्रृंगार श्रृंगार करके भेजती है ना दिन में कुछ करके भेजती है रात्रि में कुछ और हो के आते हैं उन्होंने बोला कोई चीज़ कमी तो है नहीं हाँ अनंत में अनंत का वर्तन चल रहा है तो क्या मोर पिछ की पगिया बांधी जरतारी क्या रत नारे नैनन में अंजन रत नारे नैनन में अंजन माथे तिलक धारे होली बरसाने माथे तिलक धारे रोली रोली बरसाने माथे पे तिलक धारा ऐसा सुंदर सुठाम नासिका और क्या सुंदर ललाट पे भव्य तिलक लगाया है क्या किया बगल बंदी कैसी पहनी बताऊं झीनी झीनी उनकी जो बॉडी का जो अच्छे है ना सुगठन वो दिख रहा है पीली बगल बंदी झीनी से पीली बगल बंधे गुलाल अबीर झोले बरसाने आहा बंधे गुलाल अबीर झोले बरसाने परसों भगवान आए थे 35 मोती लाए थे और कितने लोगों में बके बटे 300 लोगों में बट गए वो छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब में बटे हैं बांटते ही चले गए मनोज भैया ने कहा ये तो मोती थोड़े पड़ जाएंगे आप कुछ कुछ बड़ों को दो लेकिन उन्होंने बच्चे से लेके देते ही रहे देते रहे और 35 मोतियों में ये इन बच्चों के हाथ में थे इतने मोतियों में से कैसे मोती इतने हो गए सब लोगों में बटे और सब ने लिए हैं और बच गए बाद में ये जानते ना यहाँ छोटी सी बगलबंदी के पास में से अबीर की झोली यहाँ पे ना ऐसे कमर में फेंटा बांध के उस झोली में से गुलाल जाने कहाँ से निकाल लेते हैं और पिचकारी में रंग भरने की जरूरत नहीं पड़ती लोग सोचते ख़त्म ही हो जाए जल कहीं जानते हो ना डारत डारत कर थक्योर चुक्यो न लुटिया दूध एक लुटिया से छोटी सी लुटिया से गोपाल सखा के गुरुजी ने जब मंगवाया था दूध तो उस लुटिया से इतना जल निकाला बड़े बड़े ड्रम भर गए गुरुजी के यहाँ के बड़े बड़े कड़ाहे बड़े बड़े पतीले सब गुरुजी ने कहा आप कहाँ रखे ये तो जल इसमें दूध निकले ही जा रहे तो जानते हो ना पीली बगल बंदी झीनी से बंधी गुलाल अबीर झोले बरसाने आहा बंधी गुलाल अबीर झोले बरसाने बरसाने आए खेलन होरे बरसाने बरसाने आए खेलन होरे बरसाने और भैया पान और खाया सखा बीच में ना उनके एक सखा है मंगल जी बहुत अच्छा पान बनाते हैं पर सखाओं को अपनी सेवा इस धूम धड़ाके में भी याद रहती है भैया कन्हैया लाला सबके गुरु हैं ले लाला एक पान निकाल के दिया पान चबा रहे हैं और फिर स्टाइल कैसे मारते हैं
पान चबाय पीक जो मारी, ओठन की लाली हद होली बरसाने, ओठन के लाली हद होली बरसाने। होठों की लाली की भी हद हो गई, एक तो बिंब फल जैसे लाल होठ हैं और ऊपर से पान और खा के और लाल हम लाल कर लिए। बरसाने आए खेलन होले, फिर क्या हुआ? इस पंक्ति पे छोड़ जाते हैं, फिर कल सुनेंगे। नाचे नंद कुंवर मतवारो हे, निरतत संग सखन टोले बरसाने, निरतत संग सखन टोले। और कौन सारे सखा नाच रहे हैं, लठिया पड़ेगी कोई बात नहीं। सर बरसाने आए खेलन होले, अरे भाभी हाँ ऐसे बोलते हैं, आवाज लगाते हैं। अच्छा बरसाने के छोरे का नाम रखा है टिड्डा, एक का नाम रखा मेंढक, तो ओ टिड्डे ऐसे आवाज लगाते हैं बहुत। अरे भैया नाम बिगाड़ा इनके, रेंदा पेंदा रियल नाम थोड़ी है, मनसुखा नाम मनसुख मनसुख है और है आप जानते हैं। हम अरे हम आपको सुनाएंगे, आप जो नाम उनके रखे हुए सुंदर सुंदर नामों को बिगाड़ देते हैं। तो वह नीरे ब्रजवासी है भैया, सीधा नाम कुछ फगुआ फगुआ कैसे बच्चे कह रहे भाभियों को पौआ नहीं, ये फगुआ होता है, फगुआ आग का उत्सव। ये भी बच्चे इनको सुनता भी कम है। देखो जिस सृष्टि में रहोगे वहीं की तो बात सुनोगे, ये जो दुनिया है ऐसी हो गई तो लोग पौवे वे की बात करते रहते हैं। हैं फगुआ होता है वैसे मामू, हाँ फगुआ बोल देते हैं वो ब्रजवासी आधा थोड़ा गा चबा जाते हैं। हाँ कह रहे फगुआ को फगुआ बोलते हैं, मैंने कहा फगुआ नहीं वो गा गा साइलेंट कर दिया बोलने में। बोलो लाडली लाल की।